રિયો વિદ્યાર્થીઓ, આપણે ગયા તાસમાં પાઠ 2 પૂર્ણ થઈ ગયો હતો, અંબી બને મહાન. એમાં મેં તમને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન 3 સુધી કરાવ્યું હતું, પ્રશ્ન 2 સુધી કરાવ્યું હતું. હવે આપણે પ્રશ્ન 3ની ચર્ચા કરીએ. તો પ્રશ્ન 3માં શું છે? પ્રશ્ન 3 છે, યદિ પક્ષી બોલ પાતા તો. શું છે? ચર્ચા કીજીએ એટલે કે ચર્ચા કરવાની છે. યદિ પક્ષી બોલ પાતા તો પેડો કી કટાઈ કે વિષય મેં વે આપસે ક્યા કહેતે. યદિ પક્ષી બોલ પાતા તો પેડો કી કટાઈ મેં વો ક્યા કહેતે. કુછ પક્ષી મુજે પેડ કાટતે દેખ કર. કૌવા કહે, અરે ભાઈ, તુમ યહ પેડ ક્યો કાટ રહે હો? યહ પેડ તો હમારા આશ્રય સ્થાન હે. કૌવા ક્યા કહે રહા હે? યદિ પક્ષી બોલ પાતા તો પેડ કી કટાઈ કે વિષય મેં વે આપસે ક્યા કહેતા. તો કૌવા કહેતા કે અરે ભાઈ, તુમ યહ પેડ ક્યો કાટ રહે હો? યહ પેડ તો હમારા આશ્રય સ્થાન હે. કોયલ, इसकी हरियाली देखकर, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में भूखने लगी. तोता, इसी पेड़ की डाली पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर इसे मत काटो. अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती में रुष्ट हो जाती है. जहाँ घने पेड़ होते, जंगल होते, वहाँ अच्छी वर्षा होती है. केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिंदा हैं. आजकल जहाँ सूखा पड़ता है, उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है. पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाता है, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते. ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं. कौवा कहता, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ को महत्व अच्छी तरह समझा दिया, अब तुम पेड़ को काटने की बात कभी नहीं सोचोगे. कोयल कह रही है, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी? मेरी बोली की मिठास से ही तो आपकी मिठास आती है. पेड़ न होंगे तो वसंत कहाँ आएगा? इसीलिए मेरे भाई, पेड़ों को जिंदा रहने दो. ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है. यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करते. यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करते. यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहते, हे प्रभु, तुम्हारा बनना. क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, तुम्हारा बनना. मनुष्य के प्यारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है. इसकी बुद्धि के चमत्कार देख कर तो आप भी हैरान हो जाओगे. बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाओ. इसके कर्तव्य शहरों में इनसे स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है. अपने इस बेटे की अकलमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोग ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला. इसने और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए. जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देता है, उन्हें
आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझा कर और राह पर लगाइए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित परिचित को पढ़िए और लिखिए। तो उसको पढ़ना है और लिखना है, तो वो आप होमवर्क में लिखना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो विराम चिन्ह लगाकर लिखना है, बात पुराने जमाने की है, बात पुराने जमाने की है, उन ये सब आप होमवर्क में लिख देना। ये पूर्ण विराम रख के ये परिच्छेद लिखना। उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय का प्रश्न एक है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो वाक्य में दीजिए। प्रश्न एक है, लड़के के रोने का क्या कारण बताया। तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहाँ गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पिटेगी। यही उसका आंसर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तीसरे प्रश्न में, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति की अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। चौथा प्रश्न, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया। तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। पांचवा प्रश्न, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था। तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। क्रिकेट टीम का कप्तान अल्पाहार के समय नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद छठा प्रश्न है, सफलता के आधार क्या क्या है। छठा प्रश्न है, सफलता के आधार क्या क्या है। लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार हैं। उसके बाद सातवां प्रश्न, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। कौन सा प्रश्न है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई। तो हजरत अली राजा राज का काम कर रहे थे। हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझकर उन्हें अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। आठवां प्रश्न है, हमारे पुरखों ने क्या कहा था। पुरखों मतलब पूर्वजों। हमारे पुरखों ने क्या कहा था। हमारे पुरखों ने कहा था कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। हमारे पुरखों ने क्या कहा था, किसी की धन माल की लालसा मत करो। मा घृत कश्य स्विदन नम। उसके बाद प्रश्न दो में क्या है,
के उत्तर दीजिए। प्रश्न दो में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। माँ पहला प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग से साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया। तो क्या हुआ? शिवलिंग की बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था, ऐसा नरेंद्र बोल रहा है कि लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया। तो क्या हुआ? शिवलिंग के बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाने मेरा पहला कर्तव्य है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, रानड़े को किसने रोका क्यों? रानड़े को किसने रोका क्यों? तो रानड़े के द्वार पर नियुक्त स्वयं रानड़े के द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था, प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उनकी अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। उसके बाद तीसरा प्रश्न, कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई दे रहा नहीं था। पूरी टीम उसको ढूंढने में लगी, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ में गेंद दीवार पर फेंक रहा था, और जब उससे टकरा कर वह वापस आती तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान को ऐसा लगाव देखकर कोच मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? चौथा प्रश्न क्या है? राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राजकाज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे रोज की राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता खो जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। उसके बाद प्रश्न तीन क्या है? उत्तर उचित विकल्प के सामने का गोला कीजिए। नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो क्या आंसर आएगा? अठन्नी, शिवलिंग, चवन्नी या रुपयों? क्या दिया? चवन्नी। पहले में क्या आंसर आएगा? चवन्नी। दूसरा क्या है? समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद के महादेव गोविंद रानड़े? तो सुहा से जवाब महादेव गोविंद रानड़े। महादेव गोविंद
स्वयं सेवक को क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण, क्या आएगा? निमंत्रण पत्र। उसके बाद चौथा विकल्प क्या है? स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? स्वागत समिति के सदस्य और रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? मंच की ओर। सुआ से मंच। पांचवा, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी? तो सुआ से कप्तान। उसके बाद प्रश्न चार में क्या दिया है? कोष्टक में से शब्द को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाएं और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला प्रश्न है कामयाबी। कामयाबी का अर्थ क्या होता है? सफलता। उसका वाक्य बनाते हैं, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। इस बार परीक्षा मिली। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता दूसरा क्या है? जांच। ख्याल का क्या होता है? विचार। ख्याल का समानार्थी शब्द क्या है? प्रयास। विचार ख्याल का शब्द का क्या होता है? विचार। तो आपका ख्याल अच्छा उसके बाद तीसरा है नुकसान। तो हाँ जी,
राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। राजू को धंधे में काफी हानि हुई। तीसरा वाक्य बनता है राजू को धंधे में काफी हानि हुई। उसके बाद चौथा है प्रसिद्ध विख्यात। प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या होता है? विख्यात। तो पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पालीताना विख्यात तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान है। उसके बाद है जांच परीक्षण। जांच का समानार्थी शब्द क्या होता है? परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। पिताजी हिसाब
हिसाब किताब की परीक्षण कर रहे थे। उसके बाद है अमीर धतवा, अमेरिका समानार्थी शब्द है धनवान, वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है। के बाद अपने वाक्य पूरे हो गए। भाषा सच्चता, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। तो राधा ने लीटर तेल मंगाया, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। दूसरा वाक्य है 2 लीटर है वो उपयुक्त परिमाण वाचिक विशेषण कहा जाता है। जिस वाक्य के नीचे लिटिक भी गई है उस वाक्य को परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। इसीलिए जो नीचे लिटिक गई है वो परिणामवाचक विशेषण है। तो राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, जिसके नीचे लिटिक है वो परिणामवाचक विशेषण है। उसके बाद प्रश्न 1 के निम्नलिखित वाक्यों में से परिणामवाचक विशेषण छाट कर लिखे। तो 2 मीटर कपड़ा दीजिए में 2 मीटर है वो परिणामवाचक है। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, वो बहुत मतलब बहुत है, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, वो परिणामवाचक है। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, थोड़ा परिणामवाचक है। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, 1 किलो, वो परिणामवाचक है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है वो उसको सर्वमानिक नामिक विशेषण कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित सर्वनामिक विशेषण को अलग छाट कर लिखे। तो वे लड़के खेल रहे हैं, वे हैं वो सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा वो सर्वनामिक विशेषण है। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह वो सर्वनामिक विशेषण है। वह लड़की पढ़ रही है, वह सर्वनामिक विशेषण है। सरला को कोई खिलौना दो, वह कोई शब्द है वो सर्वनामिक विशेषण है। और योग्यता विस्तार दिया है वो महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों पढ़िए और प्रार्थना सम्मेलन सुनिए। आपने क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या कमियाँ हैं अपने साथियों के जरिए जानिए और सूची बताइए। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मी आदि जीवन पर आधारित कहानी, फिल्म या धारावाहिक देखिए, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अपना ये दूसरा पार्ट है हम भी बने महान पूरा हो गया है। अभ्यास साझा भी मैंने करवा दिया है, एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, नहीं तो मूल्यांकन कसौटी जब आपके ये मैंने करवाई है स्वाध्याय अभ्यास दोनों, ये आपके वर्कशीट में क्वेश्चन आए तो उसके अच्छे से आंसर लिखना, अच्छे से आपकी नोटबुक में लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। तो अपना दूसरा पार्ट पूरा हो गया है, अब हम नेक्स्ट पार्ट जब मिलेंगे तब सच्चा हीरा पार्ट 3 चलाएंगे। नमस्ते विद्यार्थी।